हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं सब लोग? तो गाइस, ये जावा प्रोजेक्ट कैब बुकिंग मैनेजमेंट का तीसरा वीडियो है, और इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूँ मैं, जहाँ पे मैंने बताया था। सबसे पहली वीडियो में पूरा ओवरव्यू, पूरा प्रोजेक्ट का पूरे मॉड्यूल्स बताए थे, जहाँ पे इन सारे मॉड्यूल्स का क्या वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैंने कनेक्शन बताया था अपने डेटाबेस से, कैसे कनेक्शन बनाते हैं अपने पूरे जावा के कोड के थ्रू, ठीक है। और कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल भी था, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो आज वीडियो में क्या करने वाले हैं, सिंपल जो हमारा साइन अप पेज रहेगा हम उसको क्रिएट करने वाला है, ठीक है। साइन अप पेज क्रिएट करेंगे, साइन अप पेज क्रिएट करने के बाद उसमें से जो वैल्यू हम फिल करते हैं वो डेटाबेस में जाके स्टोर करानी है। डेटाबेस में स्टोर कैसे होती हैं और कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर कराना है, सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। तो ये जो फ्रेम आप देख रहे हो, तो साइड जो अभी स्क्रीन पर फ्रेम है, इसी फ्रेम को हम दोबारा डिजाइन करेंगे। इसका पूरा कोड ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, पर मैं उस कोड को दोबारा से बना कर दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कोड कैसे बनाते हैं, कौन कौन से फंक्शनलिटी हम यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे किन चीज़ का हम यूज़ करते हैं। पूरा बेसिक, पूरा प्रॉपर हिंदी में लाइन बाय लाइन कोड करके समझाऊंगा गाइस। वीडियो प्लीज़ आप पूरे एंड तक देखना, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने मेरी हेल्प कर सकते हो। आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको, तो और भी जाकर प्रोजेक्ट देख सकते हो, मेरे चैनल बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पैकेज था, जो हमने पैकेज इससे लास्ट वाली वीडियो में बनाया था, इससे पहली वीडियो में जो पैकेज हमने बनाया था, उस पर जाके हमको राइट क्लिक करना है, एक न्यू क्लास बना लेनी है। इस क्लास का हम नाम देते हैं साइन अप, ठीक है। और क्लास का नेम फर्स्ट जो लेटर बनाते हैं वो कैपिटल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है। आपको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए जावा के, साइन अप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो पैकेज भी बना हुआ हमारे यहाँ पे कैब बुकिंग। आप कितने भी पैकेज बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर हम यहाँ पे एक ही पैकेज बना रहे हैं। इसी पैकेज के अंदर हम भले क्लास बनाएंगे, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ, तो क्लास मेरी पूरी बन चुकी है। और जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं उनको मेरे को यहाँ पर इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। सिंपल मैं यहाँ पर जावा डॉट यूटिल डॉट यहाँ पर स्टार कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर सारे जितने भी लाइब्रेरी, जितनी भी क्लास रहेंगी, मैं सभी को यूज कर सकता हूँ बाद में, ठीक है। aww.star, aww.event.star, स्विंग लाइब्रेरी, जावा एक्स डॉट स्विंग लाइब्रेरी, ठीक है। और स्विंग में और aww में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिंपल जे का फर्क आता है। मान लो मैं यहाँ पे कोई भी लेवल ले रहा हूँ, तो aww में कैसे रहता है, लेवल इक्वल टू या लेवल का जो वेरिएबल होता है। अब स्विंग लेते हैं जे लेवल, मतलब उसका जे लगाते हैं सिंपल हम, ठीक है। बस यहाँ पे हमें कुछ फंक्शनैलिटी ज़्यादा यूज़ करने को मिल जाती हैं। मैंने सारी लाइब्रेरी तो यहाँ पे लगा दी हैं, क्योंकि जितने वेरिएबल्स लेने हैं मेरे को उस फ्रेम को देख कर लेने हैं। जैसे अभी यहाँ पे कितने मैं लेवल्स का यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल आपको पता चल जाना चाहिए पूरे पैनल को देखकर, पूरे इस फ्रेम को देखकर। जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, नेम, पासवर्ड और फ़ोन नंबर और एक इमेज। मतलब मैं यहाँ पे 5 लेवल्स लेना हूँ, 5 लेवल्स लेने हैं मेरे को यूज़र नेम के लिए, नेम के लिए, पासवर्ड, फ़ोन और एक इमेज को ऐड कराने के लिए। 2 बटन्स हैं, 4 टेक्स्ट फील्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड फील्ड, सॉरी, 3 टेक्स्ट फील्ड है, 1 पासवर्ड फील्ड है। जैसे अभी यहाँ पे मैं कुछ लिखा, डॉट डॉट प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो 1 पासवर्ड फील्ड है, 3 मेरे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे जाके लेता हूँ। उससे पहले गाइस, मैं यहाँ पे पहले एक बाई डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितनी भी कोडिंग करूँगा मैं इसी के अंदर ही करने वाला हूँ अपना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेन बना लेता हूँ, क्योंकि जब मेन कॉल करूँगा तो मैं सिंपल इसी वाले फ्रेम को यहाँ पे कॉल करूँगा अपना, ठीक है। मतलब न्यू, और इस वाले फ्रेम को मैं यहाँ पे सिंपल कॉल करूँगा। उसके बाद कोई एरर नहीं है मेरे अभी तक कोड में। अब गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल जे फ्रेम क्लास का एक वेरिएबल लेता हूँ एफ, ठीक है। जे फ्रेम क्लास का मैंने एक वेरिएबल लिया है एफ, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से, क्योंकि फ्रेम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यह पूरा एक फ्रेम है, ठीक है। इस पूरे फ्रेम में मेरे को वैल्यूज़ को ऐड कराते हैं, मैं यहाँ पे फ्रेम क्लास का वेरिएबल भी तो ले लूँ, तभी तो उसके अंदर चीज़ें मैं ऐड कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम क्लास का वेरिएबल ले लिया है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे 4 लेवल्स लेने हैं, जैसे कि मैं जे लेवल क्लास के ले लेता हूँ, L1, L2, L3, L4, ठीक है। उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड लेना है, TF1, TF2, TF3। उसी तरह मेरे को यहाँ पे पासवर्ड फील्ड लेना था अपना, पासवर्ड फील्ड भी लेना मेरे को PF1, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे लेने का 2 बटन अपने, ठीक है। मैं यहाँ पे TF की जगह T1 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, T1, और इसको भी मैं T2, ठीक है, और PF को P1, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं। वेरिएबल्स लेने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले आप जब फ्रेम में देखो तो ऊपर एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्रिएट न्यू अकाउंट। इस फ्रेम के कॉर्नर में आप देखो तो वैल्यू आ रही लिखी हुई, एक लाइन है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो उसको कैसे प्रिंट करते हैं पहले वो देखते हैं।
उसके लिए गाइस मेरे को यहाँ पे फ्रेम बनाना है। फ्रेम कैसे बनाना है, जो मैंने वेरिएबल लिया था फ्रेम का एफ इक्वल टू, उसका मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है न्यू जे फ्रेम, ठीक है। और उसके बाद मेरे को जो भी वैल्यू देनी है मैं यहाँ पे उसको ब्रेसेस में उसको अंदर डबल कोट स्ट्रिंग में एक वैल्यू यहाँ पे मतलब जो भी वैल्यू दूंगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और गाइस उसके बाद अभी आप देख रहे हो फ्रेम का जो है बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे वही चेंज करता हूँ, पहले एफ डॉट सेट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वाइट, ठीक है। और उसके बाद मैं एफ डॉट सेट लेआउट नल करूँगा यहाँ पे। उतना करने के बाद गाइस मेरे को यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपल जो यूजर नेम वाला मेरे यहाँ पे आप लेवल्स देख रहे हो उसको कैसे क्रिएट करना है, जो भी मैंने यहाँ पे जे लेवल क्लास का वेरिएबल लिया था L1, सिंपल उसी का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे। उसी का ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को L1 इक्वल टू न्यू, एक मेरे को बनाना है जे लेवल क्लास का। और अंदर का जो भी मेरे को यहाँ पे वैल्यू देनी वो यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे कि मेरे को यहाँ पे देना था यूजर नेम, तो मैं सिंपल यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट्स, उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका सेट बाउंस भी करना है, तो मतलब L1 डॉट सेट बाउंस। और यहाँ पे जो भी मेरे को वैल्यू देने, जिस भी पोजीशन पे मेरे को इसको प्रिंट कराना है उसकी हाइट ब्रेथ और कंप्लीट एक्स और वाई एक्सेस से सारी मेरे को यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करनी है। मतलब कि जैसे एक्स से 40, वाई से 20 है और 100 इसकी ब्रेथ है और 30 इसकी हाइट है, ठीक है, यूजर नेम की। तो वो यहाँ पे मैंने पूरी डिफाइन कर दी है। और अब उसको फ्रेम में ऐड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट ऐड, और किसको ऐड करा रहे हैं, L1 को, मतलब कि जो भी हमारा पूरा फ्रेम उसको हम ऐड करा देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से गाइस मेरे को सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं सबको बनाना है। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, यहाँ पे एरर आ रही है, एरर पढ़ने वाले कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास जे लेवल, यहाँ पे देखो लेवल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पहले ठीक करते हैं। अब उसके बाद सिंपल दूसरा लेवल बनाते हैं नेम का। नेम बनाने के लिए मैं यही सारे तीनों लाइन कॉपी करूँगा और यहाँ पे चीज़ें चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। जैसे L2 करना सबसे पहले, तो मेरे को यहाँ पे और यहाँ भी L2 करना है और यहाँ पर भी L2 ही करना है। सिंपल मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। इस तरह से आप खुद भी कर सकते हो। अब जैसे मेरे को यहाँ पे आप नेम के लिए सेट बाउंस करना है, इसके लोकेशन सेट करनी है, तो अब 40 तो रहेगा ये एक्स से, तो 40 रहेगा, वाई से कितना होगा, अब यहाँ पे खुद देखो हाइट कितनी थी हमारी, हाइट थी 30 और एक्स उस यहाँ पे देखते हैं, हाइट थी हमारी 30 और वाई से था 20, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ तक एंड तक आप देखोगे यूजर नेम के नीचे देखो तो यहाँ तक हो गया 50, सॉरी 50 के बाद मैंने यहाँ पे कुछ गैप भी दिया है, मान लो मैंने यहाँ पे 50 के बाद 50 का ही गैप दे दिया, 50 50 कितना हो गया 100, तो ये 100 से स्टार्ट होना चाहिए मेरा नेम, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे ये 70 से स्टार्ट करना था, मैं यहाँ पे सिंपल रखूँगा 70 और 100 और 30 इसकी हाइट और ब्रेथ वही रहनी है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को पासवर्ड और फ़ोन नंबर के लिए भी अपने लेबल्स बना लेने हैं। अब उसके लिए पासवर्ड, फ़ोन नंबर, उनकी लोकेशन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। आई थिंक आई होप आपको ये अब चीज़ समझ में आए होंगे सेट बाउंस हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट फील्ड है वो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल वो भी इसी तरीके से होना है, जैसे कि T1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड T1 डॉट, इसके लिए मेरे को सेट बाउंस करना है यहाँ पे। अब इसके लिए मेरे को क्या यहाँ पे लोकेशन देनी होगी, लोकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से एक्स से था फर्स्ट वाला यूजर नाम आप देखोगे तो एक्स से था 40, उसकी विड्थ कितनी थी गाइस, यहाँ से हमारी 40 थी, मतलब उसकी लेंथ कितनी थी 40 थी, तो कितना हो गया 140 हो गया यहाँ से ये, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ गैप भी दिया है दोनों के बीच में, तो वो गैप भी ऐड करके यहाँ से आप इसकी लोकेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे गाइस इसकी सिंपल लोकेशन देनी है 150 20 150 और 30, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को इसको भी एफ में ऐड करना है, एफ डॉट एड मेरे को यहाँ पे करना है T1, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे को T2 के लिए भी बनानी है और T3 और P1 के लिए भी बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से T2 के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और T3 के लिए बनाया और P1, मतलब कि जो मेरा पासवर्ड फील्ड था उसके लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे पासवर्ड फील्ड लिखना है। इस क्लास में हम जब भी कोई टाइप करते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पर, तो वो डॉट डॉट प्रिंट होती है, ठीक है। उसके बाद गए सिंपल मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी है, इमेज लगाने के बाद मेरे को यहाँ पे दो बटन बनाने हैं। सिंपल इमेज बनाने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, मतलब क्लास लेते हैं इमेज आइकन, और उसका मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे I1, ठीक है। न्यू इमेज आइकन, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास लोडर क्लास के थ्रू, मेरे को यहाँ पे अपने इमेज का पाथ गेट कराना है, गेट सिस्टम रिसोर्स। और ये पाथ कैसे बनाते हैं गाइस, मैं सिंपल अभी आपको बता दूँ। जैसे कि अभी आप प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अभी बना हुआ है वहाँ पे हमको इमेजेस रखनी है, ठीक है।
तो सिंपल आपको अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना होगा, नेटबीन्स फोल्डर होगा, डॉक्यूमेंट्स में जाके उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा, उसको ओपन करना है। उसके अंदर SRC नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कैब बुकिंग जो आपका पैकेज का नेम था, उसके अंदर आपकी क्लासेज मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर क्लास ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आप कोड देख सकते हो जो आपने वहाँ पर लिखा था। अब इसमें आपको यहाँ पर आके एक न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर के अंदर आपको सिंपल जो भी इमेजेज रहेंगी वो आपको यहाँ पे रखने, मैंने एक फोल्डर बनाया आइकन्स, आइकन्स के अंदर मेरी सारी इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे अभी आप यहाँ पे आओगे प्रोजेक्ट में देखोगे तो कैब बुकिंग आइकन्स नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाता है, वहाँ पे शो होने लगता है मतलब। तो कैब बुकिंग, उसके अंदर आइकन्स, आइकन्स के अंदर मेरा है साइनअप 1.png नाम की इमेज मेरी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल इस इमेज को मेरे को गेट इमेज के थ्रू गेट स्केल इंस्टांस एक मेरे को मेथड यूज करना है। इसका मेरे को साइज यहाँ पे और इस मतलब कि जो हाइट और विड्थ रहने वाली है वो मेरे को सेट कर देनी है, उसको कर देना है मेरे को डिफॉल्ट। उसके बाद मेरे को फिर इसी वाले जो इमेज थी उसको आइकन में कन्वर्ट करना है यहाँ से। उस आइकन को मेरे को लेवल में मैंने ऐड किया, जे लेवल L5 था मेरा यहाँ पे, ठीक है। L5 मेरे को यहाँ पे लेवल लेना है L5, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लेवल में ऐड किया अपनी इमेज को। उस लेवल को मैंने सेट बाउंड्स के थ्रू उसकी एक लोकेशन सेट कर दी, किस लोकेशन में मेरे को प्रिंट कराना है वो लेवल, और उस लेवल को फिर मैंने अपने फ्रेम में ऐड कर दिया। बहुत सिंपल है, अगर नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लेना, थोड़ा बैक करके देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार खुद इसको समझोगे पढ़कर कोड को ना, तो और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे बटन बनाना है, इक्वल टू B1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और बटन के अंदर जो भी वैल्यू मेरे को यहाँ पे देनी है, वैल्यू देखते हैं पहले क्या लिखी हुई है वहाँ पे। साइन अप सिंपल लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे सिंपल डबल कोट्स में साइन अप लिखता हूँ, और सिंपल B1.setBackground, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है, ठीक है, और फोरग्राउंड कलर है वाइट। तो सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ B1.setBackground कलर, यहाँ पे देते हैं रेड की जगह ब्लैक, और B1 का मेरे को यहाँ पे फिर सेट बाउंस भी करने, किस लोकेशन में मेरे को ये सेट करना कराना है, ठीक है। अब इसी तरीके से गाइस मेरे को अपना B2 भी करना है, पर उससे भी पहले मेरे को यहाँ पे इसका फोरग्राउंड भी चेंज करना है। B1.setForeground कलर का मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसका, वो मेरे को देना है वाइट, ठीक है। अब इसी पूरे चार लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, फिर सब मेरे को पेस्ट करनी है, वो भी B2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल B1 की जगह B2 करना है, उसका भी कलर और फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर सेम है, पर यहाँ पे नेम चेंज है सिंपल, तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ उसका बैक, ठीक है। इतना करने के बाद गए, अब मेरे को जब भी देखो आप बटन पे क्लिक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कुछ एक्शन होता है, पर अभी यहाँ पे एक्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी डिटेल ऐड नहीं किया, मतलब डिटेल ऐड नहीं किया मतलब कि मेरे को यहाँ पे एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ B1.addActionListener, और उसको मेरे को देना है Button1, मतलब कि सॉरी दिस, मतलब कि इसी वाले क्लास के बटन है, तो दिस कीवर्ड का मेरे को यूज करना है यहाँ पे। अब इन दोनों बटन को मेरे को फ्रेम में भी ऐड कराना है, मतलब कि दोनों बटन को ऐड कराना है, तो F.addB1, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को Button2 भी कराना, तो B2। अब देखो गाइस यहाँ पे एरर शो हो रही है, एरर इसलिए शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे कलर में मैंने कोई भी मतलब कि कलर क्लास ली नहीं यहाँ पे, ठीक है, और उसका मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज करने लगा हूँ, ठीक है। तो कलर डॉट वाइट करना है मेरे को यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है, डॉट वाइट, यहाँ से एरर सारी हट चुकी है। अब यहाँ पे देखो ऐड एक्शन लिसनर पर एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे तो दिखा आ रहा है साइन अप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एक्शन लिसनर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सिंपल साइन अप पे जाके एक्सटेंड जे फ्रेम और इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया, ये एरर यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। अब सिंपल देखो आप मेरे फ्रेम में जाकर देखोगे तो हमने लेबल्स बना लिए हैं, टेक्स्ट फील्ड बना लिया, पासवर्ड फील्ड बना लिया, इमेज को लगा लिया, बटन बना लिए, ठीक है। अब सिंपल हमको क्या करना है, वैल्यू फिल करनी है, बटन पर क्लिक कराना है और डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट कराना है, ठीक है। अगर ऐसे आपको इंटरफेस वगैरह के कॉन्सेप्ट पता है तो जो भी उनके अंदर मेथड होते हैं उनको हमको यहाँ पर ओवरराइड कराना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड कराया है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने ओवरराइड कराया तो यहाँ से वो एरर हट चुकी है, इसलिए वो एरर आ रही थी क्योंकि मैंने ओवरराइड नहीं कराया था जो उसके अंदर एक मेथड होता है, ठीक है। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो लिखी है उसको मेरे को गेट कराना है। उससे भी पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है, साइन अप बटन पर मतलब कि बटन पर क्लिक करूँगा तभी तो वैल्यू फैच होगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ सिंपल इफ ई डॉट गेट सोर्स, जो भी अगर हमारा सोर्स आ रहा है
वो आ रहा बटन वन से, मतलब बी वन से। तो हमको इस वाले ब्लॉक के अंदर वर्क करना है। इफ अगर हमारा सोर्स आ रहा है दूसरे बटन से इक्वल टू बी टू, तो हमको इस वाले ब्लॉक के अंदर वर्क करना है, ठीक है। अगर गाइस हमने बटन वन पर क्लिक किया है तो सारी वैल्यू एक वेरिएबल में फैच होनी चाहिए, उसके बाद हम डेटाबेस की क्वेरी वगैरह लिखेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग यूजर नेम टी वन से गेट होगा, टी वन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। टी वन के हमारा जो पहला वाला टेक्स्ट फील्ड है वहाँ से वैल्यू गेट करानी है, इसी तरह हमको नेम की वैल्यू गेट करानी है, इसी तरह हमको पासवर्ड की और फोन नंबर की वैल्यू हमको गेट करानी है, एक किसी वेरिएबल में हमने कर रख ली है, ठीक है। अब हमको डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे ट्राई कैच, और गाइस उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन क्लास के थ्रू जो भी मैंने अभी देखो, जैसे मैंने बताया था आपको सबसे स्टार्टिंग में हम पैकेज किस लिए बना रहे हैं। अब इस वाले पैकेज का यूज मेरे को इस वाली क्लास के अंदर पड़ रहा है, मतलब कि कनेक्शन का यूज मेरे को साइन अप के अंदर पड़ रहा है। अब या तो मैं यहाँ पे ये वाला पूरा कोड जो था दोबारा से लिखूँ, या फिर सिंपल इस वाली क्लास को वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ और ये वाले मेथड में यूज कर लूँ सिंपल। तो ये होता है पैकेज बनाने का मतलब, ठीक है। पैकेज बनाने का फायदा यही होता है हमारा, से मतलब पैकेज हमने बनाया था, मैंने यहाँ पे सिंपल कनेक्शन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट न्यूज कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसके बाद मेरे पास जो भी इसके वैल्यूज थे, इसके अंदर वेरिएबल थे, उनका रेफरेंस मेरे पास ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है। सिंपल मैंने क्वेरी लिखी इंसर्ट इनटू साइन अप, एक मेरे को यहाँ पे टेबल बनानी है डेटाबेस में साइन अप नेम से, उसके अंदर मेरे को वैल्यूज कहाँ कहाँ पे एंटर करानी है वो मेरे को यहाँ पे डिटेल एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने चेक किया है ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट एस टी एम, मतलब कि मेरे को यहाँ पे इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं कैसे करूँगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, मेरा जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, के थ्रू मैंने को अपनी स्टेटमेंट को कॉल कराना है। स्टेटमेंट कहाँ पे है, कनेक्शन क्लास में स्टेटमेंट मेरी बनी हुई है, स्टेटमेंट में है मेरा कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट एस टी एम डॉट एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी, मतलब मेरे को मेथड यूज करना है क्वेरी को इंसर्ट कराने के लिए डेटाबेस में, और वहाँ पे वो क्वेरी मेरे को क्वेरी का जो वेरिएबल था वो हमारे को ऐड करना है, ठीक है। इफ ए मतलब कि क्या है इसका मतलब, अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट सक्सेसफुल होती है तो एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है, और नहीं होती तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। अब ट्रू में वन और जीरो आता है, सॉरी यहाँ पे वन आएगा या फिर जीरो आएगा, तो ट्रू के लिए हम वन डिफाइन करते हैं, जीरो के लिए फॉल्स के लिए जीरो। तो अगर ये वैल्यू सक्सेसफुली रन हुई है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी, मतलब वन रिटर्न करेगी। तो अगर ए के अंदर वन आया है तो हमको यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है जे ओपन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ये वाला फॉल्स हो जाएगा और हमारा लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये लॉगिन वाली क्लास हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे इसको लॉगिन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, कोई एरर है, तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ सिंपल प्लीज़ फिल द डिटेल केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे हमको फिर से मैसेज प्रिंट कराना है और ये वाला फ्रेम कट करा के दोबारा फ्रेम ओपन कराना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, किसी ने बटन टू पर क्लिक किया गया तो हमारा यहाँ पे ये फ्रेम कट होना चाहिए, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे बैक पर क्लिक कर दूँ, यहाँ पर फ्रेम कट होगा और हमारा लॉगिन वाला पेज ये ओपन हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ये वाली क्लास ओपन होनी चाहिए, मतलब तो ये वाली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। उससे पहले अभी हमने हमारा डेटाबेस का काम रह गया, तो गाइस जो साइनअप वाली क्लास थी इसको हमको बनाना है, ठीक है। मतलब कि इस वाले टेबल को हमको अपने डेटाबेस में बनाना है, सिंपल जाना है डेटाबेस में। आपको कैब मैनेजमेंट वाला डेटाबेस मैंने बनाया था पिछली वीडियो में, बनाना बताया था, नहीं देखी वीडियो तो प्लीज जगह ज़रूर देखिए उसको। उस डेटाबेस को यूज करना है हमें, और यहाँ पे लिखनी है टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नेम साइनअप, ठीक है। सॉरी यहाँ पे टेबल तो हमारी बनाने के लिए हमको यहाँ पे वैल्यूज़ भी देनी पड़ेंगी ना, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ बनानी है। अब यहाँ पे साइन अप में मेरे को बस देना है यूज़र नेम, उसका मेरे को टाइप देना है बैर कैर, इसकी मेरे को लेंथ देनी है 50, ठीक है। उसका भी मेरे को यहाँ पे 50, और उसके बाद आएगा मेरे यहाँ पे फ़ोन, ठीक है। उसके लिए मेरे को यहाँ पे देना है 10, क्योंकि 50 तो होता नहीं, 10 डिजिट का होता है नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके मेरे को यहाँ पे सिंपल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो ये क्वेरी मेरी कंप्लीट रन हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ शो टेबल्स, तो इस वाले डेटाबेस के अंदर मेरे को यहाँ पे एक ही टेबल बनाई है अभी, तो एक ही टेबल शो होगी। उसके अंदर मेरे को उसी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो डी एस सी साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमने कौन कौन से उसके अंदर फील्ड बनाए हैं, ठीक है। अगर अब मैं अपने कोड में जाऊंगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यूज़र नेम ऐड किया है, फिर नेम ऐड किया है, पासवर्ड, और उसके बाद हम फ़ोन नंबर अपना ऐड करा रहे हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। अगर मैं अभी गाइस इस क्लास को रन करता हूँ, यहाँ से सेव करके सबसे पहले सेव करूँगा, उसके बाद मैं इसको रन करूँगा, तो अभी गाइस देखो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कोई भी मेरे को फ्रेम नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है।
उसका रीजन क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी साइज अपने फ्रेम का नहीं दिया है ऊपर। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने फ्रेम तो बना दिया है, इसका कोई साइज वगैरह मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले सिंपल मैं इसका साइज डिफाइन करता हूँ। एफ फ्रेम जो था मेरा एफ था, डॉट गेट कंटेंट पैन मैंने यहाँ पे यूज किया मेथड। उसके बाद मैं यहाँ पे सेट विजिबल इसको ट्रू करूंगा। जब भी मतलब मेन क्लास रन होती है तो वो विजिबल ट्रू हो जाएगा, मतलब कि फ्रेम को शो होने लगेगा। ठीक है, उसका साइज देना है, उसकी लोकेशन देनी है, कहाँ से वो हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे मैंने कहा इसको रन किया तो यहाँ पे एक पूरा फ्रेम ओपन होकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज आ रही है, साइन अप बटन आ रहा है, पर यहाँ पे फ्रेम में जो वाला बटन नहीं आ रहा, बैक वाला। ठीक है, अब देखते हैं बैक वाला बटन क्यों नहीं आ रहा हमारा यहाँ पे। सिंपल आप यहाँ पे जाकर देखोगे तो हमने ऐड तो किया है B2 को, अब यहाँ पे भी B2 ऐड हो रखा है हमारा, यहाँ पे भी B2 ऐड हो रखा है ठीक से हमारा। ठीक है, पर अभी देखो हमारा क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमने दोनों की लोकेशन बिल्कुल सेम दी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक्स से ये भी 40 है, एक्स से ये भी 40 है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको चेंज कराना पड़ेगा। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, इसकी पूरी हाइट कितनी है, 120 है। ठीक है, इसमें 40 ऐड कर दो, कितना हो गया पूरा हमारा, 160 हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 180। अब इसको रन करते हैं यहाँ से। अभी देखो पूरा बटन ठीक से हमारा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपल नेम देता हूँ कोई भी, जैसे मान लो मैं देता हूँ यहाँ पे AKAUHN। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, गिट और पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5। फ़ोन नंबर यहाँ पे रैंडमली मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं साइन अप करूँगा यहाँ पे, अकाउंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे नो आ रहा है लिखा हुआ, इसको हम यहाँ से पहले हटाते हैं हमारी कंसर्न क्लास में जाके इन 4-5 लाइन को, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ चेक करने के लिए लिया था कि हमारा डेटाबेस बना हुआ है, मतलब कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल देखते हैं सेलेक्ट स्टार की वो वैल्यूज आई भी हैं या नहीं आई हैं इसमें। ठीक है, फ्रॉम साइन अप, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो वो वैल्यूज हमारी एंटर हो गई हमारे डेटाबेस में। ठीक है, इस तरीके से हम साइन अप वाला पूरा पेज बनाते हैं और उसकी वैल्यू को डेटाबेस में एंटर कराते हैं। ठीक है, अगर इतने में भी कोई डाउट है आपको अभी तक, मुझे नहीं लगता होना चाहिए कोई डाउट, अगर इतने में फिर भी कोई डाउट है मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फिर वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सारे वीडियो सारे प्रोजेक्ट अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में। ठीक है, जहाँ से उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए, उनको भी प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इस वाली वैल्यू को जो हमने एंटर किया है डेटाबेस में साइन अप के लिए, इनको यूज़ करके हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम इस वाले फ्रेम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं जो अभी फ्रेम आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।